हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी। और आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए क्लास ट्वेल्थ की मैथमेटिक्स का कंप्लीट डिफरेंशिएशन रिवीजन। डिफरेंशिएशन के 5 लेक्चर्स ऑलरेडी लाइव स्ट्रीमिंग में हमें मैं पढ़ा चुका हूँ, और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग करेंगे पूरे डिफरेंशिएशन का रिविजन एक शॉट में, मतलब एक घंटे के वीडियो लेक्चर में। तो बने रहिए, आगे पढ़ते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन के बारे में सबसे पहली चीज हमें जानना होगा कि व्हाट इज स्लोप। स्लोप के बारे में हमने पूछा था, बताया था m। मान लीजिए हमारे पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है, उसके पास एक पॉइंट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है q, x2, y2। तो इसका स्लोप क्या होगा? डेल्टा y बाई डेल्टा x। और हमने क्या बताया था, यही हमारा क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही हमारा किसके बराबर होता है, टैन थीटा के बराबर। और इसी को बोलते हैं हम लोग डी वाई बाई डी एक्स। याद रखिएगा, डेल्टा भी एक चेंज होता है और डी भी एक चेंज होता है। ये हमारा नॉर्मल चेंज होता है और ये चेंज होता है हमारा इनफाइनाइटली स्मॉल। हम लोगों ने पढ़ा है अक्सर, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। लेकिन जब हमारा टाइम टेंस टू जीरो होता है, तो टेंस टू जीरो का मतलब होता है समथिंग नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो, बट दैट फिजिकल पैरामीटर इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, नियरली इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा टी होगा, जैसे कहेंगे डेल्टा टी हमारा मान लो हो सकता है आपका इतना हो कि 0.00000000 मिलियन बिलियन टाइम जीरो लगा के 1 सेकंड कर दें। तो टेक्निकली वी कैन से दैट कि दिस इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो। अंडर दैट सिचुएशन अवर वेलोसिटी बिकम्स डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो वेलोसिटी क्या हो जाता है, डी एक्स अपॉन डी टी, मतलब कि एक्स का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में। इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। इसी तरह से सेम हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन के बारे में, क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अगर हमारा डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो जाता है तो एक्सेलरेशन क्या बन जाता है, डी वी अपॉन डी टी, मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इट वॉज ऑल अबाउट योर डिफरेंशिएशन। तो इसे आप लोग नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल आप लोगों को समझ में आया होगा, होता क्या है एक्चुअल में, इसकी डेफिनेशन वगैरह सब कुछ। अब हम लोग पढ़ते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हमारे सामने आता है डिफरेंशिएशन का, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, इट इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। यहाँ पे क्या होता है हमारा, n belongs to natural number, n belongs to real number, मतलब कि n real number से belong करता है, मतलब कि number कुछ भी हो, मतलब 1 हो, 1.2 हो, 1.3 हो, क्योंकि rational number is the father of all the numbers, it is integer भी इसी में आते हैं, positive हो चाहे negative हो, whole number भी इसी में आते हैं, रेशनल नंबर भी इसमें आते हैं, इरेशनल नंबर भी इसी में आते हैं, नेचुरल नंबर भी इसी में आते हैं। तो यहाँ से क्या बात समझ में आई कि दिस फॉर्मूला इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू कुछ भी हो। तो एक एग्जांपल करके देखते हैं, एग्जांपल में क्या है, मान लीजिए d बाई डी एक्स ऑफ दिया हुआ है x टू द पावर 5, तो क्या आएगा, n मतलब कि 5 x की पावर 5 माइनस 1। ठीक है, मान लो दिया हुआ है d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स मतलब रूट एक्स को क्या ले सकते हैं हम लोग, एक्स टू द पावर हाफ। तो ये हमारा क्या है, दिस इज बेसिकली अवर एन, फॉर्मूला क्या है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, दैट मीन्स कि 1 अपॉन 2 एक्स की पावर 1 बाई 2 माइनस 1 कितना आएगा, माइनस 1 बाई 2।
तो इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये आएगा x की 1/2 x की पावर हाफ, तो इसको ले सकते हो 1/2 रूट एक्स। तो एक बात यहाँ से समझ में आई कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, अगर हम लोग इसे याद कर लें 1/2 रूट एक्स, तो बार बार इसे हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, मतलब एक्स की पावर 1, तो क्या आएगा एन मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर एन माइनस 1, मतलब 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, मतलब 1 इंटू 1 कितना आएगा 1। तो यहाँ से एक चीज़ और याद कर सकते हैं हम लोग, x मतलब क्या होगा डिफरेंशिएशन इसका 1 होगा, ठीक है। अब समझिए, पहले इतना नोट करें, जैसे मान लीजिए एक चीज़ और बता दें, इसको नोट कर लीजिए, करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट कितना आएगा आंसर 0। क्यों आएगा, अगर ऊपर वाला पैरामीटर, जैसे मान लीजिए हमारा ये डेल्टा डी एक्स अपॉन डी टी है, मान लीजिए वी हमारे पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हमारा ये कितना होगा 0। तो मतलब अगर ये पैरामीटर अगर हमारा कॉन्स्टेंट है तो ये कितना आएगा आंसर 0 आएगा, अगर ये हमारा कॉन्स्टेंट है तो, ये पूरा सिस्टम अगर कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इतना नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई इसको रफ करते हैं, बस ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है हमें, x टू द पावर n का डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स क्या होगा एन एक्स एन माइनस 1। हमें क्या दिमाग में रखना है हर वक्त, डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n क्या होगा आपका एन एक्स की पावर n माइनस 1, और डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट ये कितना आएगा 0 आएगा। चलिए मान लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स क्यूब दिया हुआ है, याद रखिएगा हमारा मान लो ये कॉन्स्टेंट है, ठीक, x के अलावा और y के अलावा, x और y दोनों के अलावा सभी चीजें क्या होंगी वेरिएबल होंगी, सॉरी x और y केवल हमारे क्या होंगे वेरिएबल होंगे, बाकी सब चीजें कांस्टेंट होंगी, तब तक कांस्टेंट होगी जब तक बताया ना जाए, अगर उनको बता दिया गया कि वेरिएबल है तो उनको आप वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हमेशा क्या होता है बाहर वेट करता है, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब, तो x क्यूब का फॉर्मूला लगाइए कितना आएगा a 3x की पावर 3 माइनस 1 कितना आएगा 3x स्क्वायर, मतलब 3ax स्क्वायर, तो d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स क्यूब कितना आ गया 3ax स्क्वायर, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेसिक हैं एकदम, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी होंगी, d बाई डी एक्स ऑफ मान लो अलग अलग फंक्शंस रखे हैं f1x प्लस f2x प्लस f3x प्लस डैश एंड सो ऑन, सिंपली इससे मल्टीप्लाई करो फिर इससे मल्टीप्लाई करो फिर इससे मल्टीप्लाई करो, सबसे मल्टीप्लाई करके लिख दो जो अलजेब्रा में पढ़ा है, d बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा f1x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ f2x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ f3x प्लस डैश डैश एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए इतना हो गया हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए जब तक टाइम दे रहे हैं। ये बहुत बेसिक चीजें थी, हम फॉर्मूलों की लिस्ट पढ़ेंगे पूरी। पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा d बाई डी एक्स ऑफ, अगर मान लो साइन x है तो साइन x का डिफरेंशियल होगा cos x, फिर हमारा नेक्स्ट आएगा d बाई डी एक्स ऑफ cos x, इनका डिफरेंशियल होगा माइनस साइन x, फिर आएगा d बाई डी एक्स ऑफ tan x,
इनका डिफरेंशियल आएगा sec स्क्वायर x, फिर हमारा आएगा d बाई डी एक्स ऑफ cosec x, ये होगा माइनस cosec x इंटू cot x, फिर आएगा हमारा d बाई डी एक्स ऑफ sec x, ये होगा sec x मल्टीप्लाइड बाई tan x, फिर हमारा होगा d बाई डी एक्स ऑफ cot x, ये होगा माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। फिर हम लोग थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं, एन एक्स एन माइनस वन याद हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग करते हैं d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, कितना आएगा e की पावर x, कोई चेंज नहीं होता इसमें, चाहे डिफरेंशिएट कर दो चाहे इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन में भी यही होता है, इसका इंटीग्रेट करोगे तो भी यही आएगा। फिर आता है d बाई डी एक्स ऑफ log x कुछ टू द बेस e, कितना आएगा 1 बाई एक्स, फिर आता है d बाई डी एक्स ऑफ log x टू द बेस a, ये होता है 1 बाई एक्स log a टू द बेस e, फिर आता है d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x, a क्या है हमारा कोई कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे a टू द पावर x log a, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, कितना आएगा 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर हम लोग पढ़ेंगे d बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x, कितना होगा सेम चीज़ को माइनस लगा के लिख दो 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना आप लोग पहले नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक दो फॉर्मूले और जगह बच रही है तो लिख दें ताकि आप लोग एक साथ नोट कर सको। नेक्स्ट हमारा आता है d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आता है d बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स x, तो ये क्या होगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स में केवल नेगेटिव का फर्क है, उसी तरह से टैन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स में केवल नेगेटिव का फर्क है, तो इतना आप लोग नोट करें पहले सारे फॉर्मूला। चलिए भाई डिफरेंशिएशन को आगे कंटिन्यू करते हैं, हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए कि आपको दिया गया है कोई क्वेश्चन, ये दिया हुआ मान लो, इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे इसके लिए आप, तरीका बताया था ना, इससे मल्टीप्लाई होगा पहले, सिंपल मैथमेटिक्स है, फिर इससे d बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 5, फॉर्मूला लगाइए क्या पढ़ाया है, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, क्या होता है n x की पावर n माइनस 1 और n बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी नंबर हो फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ठीक है। एन एक्स एन माइनस 1 मतलब 2x की पावर 2 माइनस 1 प्लस, इसमें कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और d बाई डी एक्स ऑफ x बचेगा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है जीरो होता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2x, यहाँ कितना आ जाएगा 3x की पावर 1 का मतलब क्या आएगा आंसर, आप खुद समझिए, एक बार बता चुका हूँ अभी, x की पावर 1 का क्या होगा
एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन, वन इंटू एक्स की पावर जीरो, वन इंटू वन मतलब कि वन, तो यहां वन आ गया, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव, ठीक है, दिया गया। अब मान लीजिए कि हमें दिया हुआ है वाई के इक्वल, क्या दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू फोर एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस सिक्सटीन। आपको पूछा गया है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, मतलब कि डी अपॉन डी एक्स कर दो, किसका, वाई का कर दो, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन की शुरुआत यहां से कर देते हैं, भाई इतनी जगह है हमारे पास, ठीक है, ये हमें निकालना है, तो यहां ले आते हैं इसको एरो बना के, क्या होगा, d अपॉन डी एक्स इधर लगाएंगे y के साइड में, और d अपॉन डी एक्स हमें इधर भी लगाना पड़ेगा, फोर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस सिक्सटीन। तो ये याद रखिएगा d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे नोट कर लीजिए चाहे तो, x एंड y आर वेरिएबल्स, क्या है ये, इनको हम जीरो नहीं कर सकते, अगर आप सोचो कि खाली x है, d बाई डी एक्स ऑफ x ही आप फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं, वेरिएबल होगा तो d वेरिएबल बाई डी एक्स, मतलब कि डी बाई डी वाई बाई डी एक्स लिखना होता है हमको, याद रखिएगा इस चीज़ को, वेरिएबल है तो उसको एज इट इज लिख के नीचे डी बाई डी एक्स कर देते हैं। सिंपल तरीका क्या है, सिंपल, सबसे ये मल्टीप्लाई होगा इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, कितना आएगा, फोर एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ नाइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस सिक्सटीन, ठीक है। क्या होगा इसके बाद, डी वाई बाय डी एक्स, फोर बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट है, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर कितना आएगा, टू एक्स की पावर टू माइनस वन प्लस नाइन बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट कुछ भी हो आंसर जीरो आएगा, ठीक है। पिछला वाला रफ कर दें, मान लीजिए हम नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर रहे हैं, ठीक, फोर एन एक्स एन माइनस वन लगाइए तो कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, फोर एन एक्स एन माइनस वन लगाइए, थ्री एक्स की पावर थ्री माइनस वन मतलब भाई थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस नाइन, एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है वन बता चुके हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, फोर तीजा ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये आपका आंसर आ गया। इसे नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नीट एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है, रहेगा, क्वेश्चन बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट है ये। जैसे मान लीजिए, अब यहां पे समझिएगा वेरिएबल और कांस्टेंट है क्या, जैसे मान लीजिए आपको x दिया हुआ है 3t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 9, जहां पे आपका दिया है x इज द डिस्प्लेसमेंट और t इज द टाइम, ठीक है, आपसे पूछा गया है फाइंड दी वेलोसिटी, फाइंड दी वेलोसिटी व्हेन टी इज इक्वल टू फोर सेकेंड, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू टू सेकेंड। तीसरा है, फाइंड
डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स आफ्टर 10 सेकेंड्स। ये क्या दे दिया भाई? तो चलिए थोड़ा सा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। हमने वेलोसिटी के बारे में क्या पढ़ा था? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। और अगर हमारा डेल्टा टी जो है वो अप्रोच करने लगे जीरो की तरफ, तो वेलोसिटी हमारी क्या हो जाती है? डी एक्स अपॉन डी टी, मतलब कि डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स हो जाता है। यही बात है ना? इतना नोट करें पहले क्वेश्चन, तो फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और एक चीज और रिवाइज कर लेते हैं। हमने एक्सेलरेशन के बारे में क्या पढ़ा है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अगर डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, तो एक्सेलरेशन कितना आता है? डी वी अपॉन डी टी, मतलब कि डी अपॉन डी टी ऑफ वी कर देते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है भाई? वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो पहले हम वेलोसिटी निकाल लें। तो वेलोसिटी होगी क्या? हमें एक्स दिया हुआ है 3t² + 5t - 9। तो d अपॉन डी टी इधर कर दें x का, और d अपॉन डी टी इधर करना पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए मामला। यही तो होगा ना? तो ये d अपॉन डी टी, x हमारा क्या है? एक वेरिएबल है, इसको जीरो नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा? dx अपॉन डी टी, यहां क्या होगा? सबसे बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। तो d अपॉन डी टी ऑफ 3t² + d अपॉन dt ऑफ 5t + d अपॉन dt ऑफ -9। ठीक है, अब ये 3 बाहर लेंगे तो यहां क्या होगा आपका? 3 बाहर लेंगे और d अपॉन डी टी ऑफ t स्क्वायर कितना आएगा? 2t² - 1। 5 बाहर लेंगे, t का डिफरेंशियल कितना आएगा? 1 आएगा भाई। जैसे वहां पे d अपॉन डी एक्स था, वैसे ही यहां d अपॉन टी डी टी है। यहां पे देखो x का फंक्शन था, यहां x था, यहां x था तो यहां x का फंक्शन था, अब यहां t है तो यहां t का फंक्शन है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 5 कांस्टेंट है, इसको बाहर लेंगे और t का डिफरेंशियल कितना आएगा? 1 आएगा। कांस्टेंट प्लस हो माइनस हो फर्क नहीं पड़ता, 0। तो आपको वेलोसिटी कितनी मिल गई? अब पहले इतना नोट करें, आपको वेलोसिटी जो मिली dx अपॉन dt जो मिला, dx अपॉन dt, यही हमारा क्या था? वेलोसिटी। और ये कितना मिल गया हमको? 6t + 5। कितना मिला? 6t + 5 मिला। ठीक है, इतना पहले आप लोग नोट कर लें, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां से वेलोसिटी कितना मिलेगा? 3 × 6 × t^1, मतलब 60। तो dx अपॉन dt, वही तो वेलोसिटी है हमारा। ये कितना मिलेगा? 6t + 5। हमें चाहिए एट t इज इक्वल टू, कितने पे पूछा है भाई? t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे। तो सीधा सीधा इस एक्सप्रेशन में 4 सेकेंड रख देंगे तो dx अपॉन dt, यही हमारा वेलोसिटी है। 4 कितना आएगा? 6 × 4 + 5 कितना आएगा? 24 + 5 कितना आ जाएगा? 29 m/s। वेलोसिटी कितनी आ गई 4 सेकंड पे? 29 m/s। ठीक है, फिर पूछा है एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो हमें एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? d अपॉन डी टी ऑफ v करना पड़ेगा, जो कि हमारा dv अपॉन dt मिलेगा। समझ रहे हैं इस चीज को? तो a बराबर d अपॉन डी टी ऑफ v का एक्सप्रेशन क्या था? 6t + 5। तो a d अपॉन डी टी ऑफ 6t + d अपॉन dt ऑफ 5, ये कांस्टेंट है।
कितना मिलेगा, 6 का बाहर आएगा, 6 बाहर आएगा, टी एक्स की तरह है ये, वैसे ही केस है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना आता था, 1 आता था, वैसे ही टी कितना आएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी 1 आएगा। क्लियर लिख दे थोड़ा, 6 बाहर लिया, टी का 1 हो गया, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना दिया हुआ, 2 सेकेंड, मतलब एक्सेलरेशन में वेरिएबल ही खत्म हो गया, तो मतलब एक्सेलरेशन अब कॉन्स्टेंट हो जाएगा, जो कि इतना ही रहेगा एनी टाइम, चाहे टी की कोई भी वैल्यू हो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग करेंगे, इन्होंने पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट पूछा है, ठीक है, तो एक्स हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है, किस कितने देर के बाद पूछा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 10 मिनट्स 10 सेकेंड्स। एक्स बराबर कितना लिखा हुआ है, 3t² + 5t - 9, तो एट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड। अब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में रखेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो टी की जगह 10 रखिए तो कितना आएगा, एक्स इज इक्वल टू 3 × 10² + 5 × 10 + 9 कितना हो जाएगा, 100 × 3 = 300 + 50 + 9 = 359 meters। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसे नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।